सस्पेंडेड सस्पेंडेड निलंबित, मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना, कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसके चलते हुए अगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र चुनाव तंत्र से अगर उठ गया और अगर ये विश्वास बैठ गया कि भले ही लोग किसी को भी चुनकर दें लेकिन धन का, बल का, सत्ता का, संवैधानिक संस्थाओं का लाभ उठाकर सरकार तो हम ही बनाएंगे, ये जो एक अटूट विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है, उस विश्वास को और उस अंधी दौड़ को लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर रोकना होगा। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे तीन विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनकी उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है, ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसका जवाब वही देंगे, आने वाले समय में इस पर जांच पड़ताल भी चल रही है और जो सच होगा वो तो सामने आएगा। मैंने अभी घोषणा की, सस्पेंड किया है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें। मैं कलकत्ता में मैं मौजूद नहीं था। We have suspended them. निलंबित, मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लेकिन आने वाले समय में अगर कानूनी तौर पर यह प्रावधान रहा तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले MLAs को निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। देखिए, जो गतिविधियां चल रही थी उसकी जानकारी भलीभांति वहां की सरकार को भी और पार्टी के एक प्रभारी के नाते, वहां पर तीन दिन में था, उन गतिविधियों पे पूर्ण रूप से नज़र रखी जा रही थी। आप सब जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में विशेष रूप से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठकर जो दौरा कर रहे थे उसमें किन किन लोगों ने उनके साथ मुलाकात की, किन किन लोगों ने उनके साथ में उनकी क्या बातें हुई, किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। समय आने पर उन सभी चीज़ों को विस्तार से रखा जाएगा